गुड इवनिंग एवरीवन। सी लास्ट क्लास में हम लोग इस प्रॉब्लम में थे और इस पर एक बेसिक एस्पेक्ट मैंने बताया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जीनर पर अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 है और आउटपुट वोल्टेज पता करना है, तो आप देख रहे हैं बैटरी का प्लस कैथोड से और माइनस एनोड से है। इसका मतलब है तो रिवर्स बायस कंडीशन। तो आप जनरल वे में ऐसी स्टार्टिंग कर सकते हैं कि जीनर डायोड रिवर्स बायस और अंडर ब्रेकडाउन रीजन। आपने यहां से स्टार्टिंग की, ब्रेकडाउन रीजन में अगर यहां 6 वोल्ट है तो यहां भी वोल्टेज 6 वोल्ट होगा। लोड करंट की वैल्यू 6 मिली एम्पियर है बिकॉज ऑफ जीनर। इनपुट करंट आई दैट इज 4 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब अगर मैं यहां केसीएल परफॉर्म करूं, तो आपने देखा था केसीएल परफॉर्म करने पर जीनर पर करंट ही निगेटिव आ गई थी। और अगर जीनर पर बनने वाली करंट निगेटिव है तो हमारा एजम्पशन गलत है, मतलब जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है। तब आपने बोला था ये नॉर्मल ओपन सर्किट कंडीशन में था। उस समय आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ केवीएल लगाकर आउटपुट निकाल सकते हैं जब जीनर ओपन सर्किट कंडीशन पर है, राइट? यस। नाउ इसके बाद मैंने एक बात कही थी कि अगर आर का मान मैं 0.5 के रख दू तो क्या अब जीनर ब्रेकडाउन रीजन में है? यस, चेक इट। अगर मैं इस पर आर का मान 0.5 के रख रहा हूं तो जीनर पर वोल्टेज 6 है, अभी भी प्लस कैथोड से माइनस एनोड से कनेक्ट है, मतलब रिवर्स बायस ऑपरेटिंग कंडीशन। नेक्स्ट वी नॉट पर वैल्यू 6 आ रही है, तो यहां लोड करंट 6 मिली एम्पियर है और इनपुट करंट 8 मिली एम्पियर है। क्यों इस बार 8 है? यू कैन चेक 10 माइनस 6 अपॉन 0.5 के। वॉइस बहुत स्लो आ रही है, होप सो वॉइस क्लियर है स्टूडेंट्स। कुछ इशू हो सकता है नेट का, बट क्या बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है? मुकेश, वॉइस इज क्लियर? ठीक है। अब यहां पर आपने इस बार जब जीनर की करंट निकाली तो इस बार जीनर की करंट प्लस 2 आ गई। इसका मतलब हमारा जंक्शन सही है और जीनर ब्रेकडाउन रीजन पर है, तब वी नॉट डायरेक्टली 6 वोल्ट होगा। कल ये दो बातें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैंने ये बोला कि अगर मन में ये है कि यहां सर इस आर का मान कितना लिया जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर कितनी जस्टिफाई हो सकती है, इसके लिए मैंने एक डाटाबेस बोला था, इसी की हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, मैक्सिमम आप नहीं दिख रहे हैं, नहीं मैं तो कैमरा ऑन है। नेट का इश्यू हो सकता है, ठीक है। तस्कान ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम। फाइन, साउंड कट जा रहा है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फाइन, देखो अगर लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग ये थिंक करें कि अपने पास, देखिए जरा ये प्रॉब्लम थी, जहां पर इनपुट वोल्टेज
10 वोल्ट है और इनपुट वोल्टेज के बाद यहां कोई R वैल्यू अभी पता नहीं है, हम इस R की बात कर रहे हैं। हेलो, देख करता हूं क्लास। अब इसके बाद यहां पर जीनर डायोड लगा हुआ है, जीनर पर ब्रेकडाउन वोल्टेज सेम 6 वोल्ट है। कल वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। और इसके बाद फर्दर यहां लोड रेजिस्टेंस है। और इस लोड रेजिस्टेंस का मान कल 1 किलो ओम गिवन था, राइट। अब देखिए यहां पर अगर आपसे बोला जाए कि जीनर किस कंडीशन पर है, इज इट सो कि जीनर ब्रेकडाउन कंडीशन पर है? जनरल वे में ये 10 है एंड दिस, ये 10 है दिस, मतलब यहां कैथोड टर्मिनल, फर्दर यहां एनोड टर्मिनल, यहां पर प्लस टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट है, माइनस टर्मिनल एनोड से कनेक्ट है। और अगर ये कंडीशन है अपने पास तो ये रिवर्स बायस पर ऑपरेट हो रहा है, फाइन। अब रिवर्स बायस के साथ यहां जो भी रेजिस्टेंस है उसकी करंट फिक्स है, दैट इज लोड करंट। अगर आईएल का मान बोला जाए तो कितना हो जाएगा, 6/1 किलो, दैट इज 6 मिली एम्पियर, राइट। अगर ये 6 मिली एम्पियर है यहां पर वैल्यू 6 मिली एम्पियर है लोड करंट की, स्टिल जीनर की करंट हमें नहीं पता, ठीक है, जीनर की करंट हमें नहीं पता। अब आपसे पूछा गया है, देखो आपसे पूछा गया है कि आर का मान कितना अधिकतम रख सकते हैं, राइट। आर का मैक्सिमम मान हम क्या रख सकते हैं, यू शुड चेक कि अगर आई की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो कैन आई से दिस आई का मान इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का डिफरेंस होगा। अभी बस नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जस्ट एक कल वाला ऑब्जर्वेशन लास्ट रिमेनिंग था उसको कराकर आर का सिलेक्शन, ठीक है, इसके तुरंत बाद पढ़ेंगे। इस पॉइंट पर वोल्टेज 10 है और यहां का वोल्टेज 6 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं आई का मतलब, तो कैन आई से आई वैल्यू इज नथिंग बट वी इनपुट माइनस वी जेड अपॉन आर है। और अगर आर का अधिकतम मान मेरे को सिलेक्ट करना है तो आर मैक्स शुड बी वी इन माइनस वी जेड अपॉन आई मिनिमम होना चाहिए। यहां तक बताओ अगर किसी को कोई इशू हो, इसमें यहां तक अगर कोई इशू हो, ये बात क्लियर है सभी को? देखिए वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर होना चाहिए, आर का वह अधिकतम मान जिस पर सर्किट सेटिस्फैक्टरी वर्क कर सके। तो आर अगर अधिकतम है तो करंट का मान डिनोमिनेटर में मिनिमम होना चाहिए, फाइन। तो आई मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। अब आई मिनिमम के लिए हम क्या बोल सकते हैं, देखो आई का मान केसीएल लगाए तो आई जेड प्लस आई एल होगा, और आई अगर मिनिमम है इसका मतलब है आई जेड भी अपने मिनिमम मान पर होगा प्लस लोड करंट। देखिए अगर स्टूडेंट्स इनपुट की करंट मिनिमम चाहिए तो जीनर पर करंट भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, राइट। और आई जेड मिनिमम प्लस लोड करंट, क्योंकि लोड करंट फिक्स है,
अब आप मुझे बताओ आई मिनिमम का मान यहां से कितना आ गया। क्या मैं बोल सकता हूं आई मिनिमम शुड बी इक्वल टू जीनर पर मिनिमम करंट, मान लो अगर क्वेश्चन में नहीं दी, मान लीजिए जीनर के एक प्रॉब्लम में आपको नहीं दिया जीनर की मिनिमम करंट, तो क्या आई जेड मिनिमम एज्यूम कर सकते हैं जीरो एम्पियर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, राइट? अगर प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है तो आई जेड नी आई जेड मिनिमम जीरो माना जा सकता है आइडियल कंडीशन, बोलो। ठीक है, अब ये जीरो है प्लस लोड करंट कितनी आ रही थी 6 मिली एम्पियर। यहां बताओ आर मैक्स का मान, वीन का मतलब 10 वोल्ट, वीजेड का मतलब 6 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज, और आई मिनिमम का मान, आई मिनिमम का मान कितना आ गया आपके पास 6 मिली एम्पियर। तो क्या अगर यहां 6 मिली एम्पियर पुट किया जाए तो आर मैक्स का मान कितना हो जाएगा 4/6 मिली एम्पियर, अदरवाइज 4000/6। यू कैन राइट लाइक दिस 4000/6। इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो जो भी आ रहा हो, 666 point something। राइट, ये आर का मैक्स मान होना चाहिए, इतना अधिकतम आर आप रख सकते हो, ये कंडीशन आपके पास आ रही है। कल वाले क्वेश्चन पर ये थोड़ा सा मैं आपको एक एस्पेक्ट बता रहा था दोस्त, अभी इसकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे प्रॉपर वे में। कल वाले क्वेश्चन में आर का मैक्सिमम मान कितना रखा जा सकता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल रखा था 0.5 के, राइट, तो उसका अधिकतम मान हम कहां तक रख सकते हैं 666 तक। ठीक है, धीमे धीमे नेट स्टेबल हो जाएगा स्टूडेंट्स, कुछ इश्यू आ रहा है, आई नो वेरी वेल। एनी मशीन शुड स्टार्ट विद द ट्रांजिएंट कंडीशन बट फिनिश विद द स्टेडी स्टेट, सो डोंट वरी। देयर शुड बी सम ट्रांजिएंट, life is also going with some transient condition, but finally there will be a perfect smoothly steady state. Fine, chalo आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने फोर्थ टॉपिक पर चलते हैं। अब तक आपने 3 टॉपिक सीख लिए स्टूडेंट्स, 3 केसेस यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व। फर्स्ट वन ओनली इनपुट इज वेरिएबल, सेकंड वन ओनली लोड इज वेरिएबल, थर्ड वन इनपुट एज वेल एज लोड इज वेरिएबल, फोर्थ केस सेलेक्शन ऑफ कैपिटल आर, गिव एडिंग सेलेक्शन ऑफ कैपिटल आर। अभी केवल आर मैक्स बताया है अभी मैंने आपको, राइट? अब आर मैक्स के अलावा क्या क्या कंडीशन बन सकती है चेक करते हैं। फाइन, चलो गिव एडिंग सेलेक्शन ऑफ आर। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेलेक्शन ऑफ आर की, राइट? यहां से चीजें बिल्कुल फ्रिक्वेंट में सीखोगे। सेलेक्शन ऑफ कैपिटल आर, देखो केस 4 का पहला जनरल केस मैं बनाता हूं, केस 4 का जनरल केस। मैंने कहा, ध्यान से सुनेंगे सभी, इफ
input and load both are fixed. If Vin and RL both are fixed. क्या क्या फिक्स है अपने पास? Vin and RL both are fixed. सभी हम सीख पाएंगे एक्चुअली. If Vin and RL both are fixed. वीडियो स्टॉप हो गया है. अभी तो चल रहा है स्टूडेंट्स, बगल की स्क्रीन पर मेरे पास भी वीडियो आ रहा है. हमारी गलती से ऐसा हो रहा है. विमल स्टॉप नहीं हुआ है अभी. ठीक है. इफ वीन एंड आर एल बोथ आर फिक्स्ड. हाँ ठीक है. यदि वीन और आरएल सॉरी इफ वीन एंड आरएल बोथ आर फिक्स्ड, तो देखो इस समय कंडीशन ये है. वी इन पुट एक फिक्स वैल्यू है. आप यहां पर इस आर का मान जस्टिफाई करना चाहते हो. यहां पर डीलर पर वोल्टेज होगा से दैट इज प्लस माइनस वीजेड. यहां कोई लोड रेजिस्टेंस लगा है दैट इज आर एल और ये प्लस माइनस वी नॉट है. होप सो यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर होगी. राइट. अब यहां पर हमें R का सिलेक्शन करना है. किसकी वैल्यू बतानी है फ्रेंड्स? R. अब क्या कंडीशन बन रही है जरा देखो. इस समय कंडीशन पर मैंने आपसे कहा, नोटिस करिए फ्रेंड्स, V in क्या है? फिक्स्ड. RL क्या है? फिक्स्ड. यस, दोनों ही बातें अपने पास क्या है? फिक्स है. और आपको सिलेक्शन किसका करना है? इस कैपिटल आर का. फाइन, यहां तक होप सभी को मेरी बात क्लियर है. ओके. अब देखो अगर हम यहां पर सिलेक्शन कर रहे हैं आर का, तो यहां दो बातें हो सकती हैं. कन्वेंशनली अगर मैं बात करूं, सो लोड पर करंट कन्वेंशनली लाइक दिस होनी चाहिए. दिस इज नथिंग बट आई एल. कन्वेंशनली जीनर पर करेंट लाइक दिस होनी चाहिए आई जेड. और यहां कन्वेंशनली जो करेंट होनी चाहिए वो आई होनी चाहिए. इज इट सो? फाइन. अब अगर आई का मान मैं आपसे पूछूं, तो क्या मैं कह सकता हूं आई शुड बी वी इनपुट. इस नोड का वोल्टेज V इनपुट है और इस नोड का वोल्टेज VZ है. तो V इन माइनस VZ डिवाइड बाई R हो जाएगा. इसमें बताओ अगर किसी को भी दिक्कत हो. ठीक है. अगला, अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड पर KCL लगाऊं, तो I इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल हो जाएगा. राइट. ये दो बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए. इन दोनों बातों को लेकर हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं. क्लियर है सभी को? ओनली टू टॉक्स. फर्स्ट मैंने बोला करंट की वैल्यू, नेक्स्ट मैंने बोला केसीएल पर आई का मान. ठीक है. अब देखिए, मान लो मैं फर्स्ट टाइम सिलेक्शन चाहता हूं आर मिनिमम का. मिनिमम
आर का मान क्या होना चाहिए। यहाँ आर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो मैंने आपसे कहा कि मैं आर का कम से कम मान सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो कम से कम मान क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आर मिनिमम का मतलब बताइए स्टूडेंट्स, आर मिनिमम का मतलब क्या होना चाहिए। इधर देखो, इधर इधर बोर्ड पर, सॉरी, आर मिनिमम का मान क्या होना चाहिए। क्या अगर ये आर मिनिमम है तो ये वाली करंट मैक्स होनी चाहिए। इज इट सो? अगर आई मैक्स होना चाहिए, इधर देखो, इधर 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 लोड करंट फिक्स है, दिस इज लोड करंट, राइट, दिस इज लोड करंट, ये फिक्स है और ये वाली आई मैक्स हो चुकी है, तो क्या स्टूडेंट्स जो आई जेड बनेगा वो भी मैक्स ही बनेगा। क्यों? यहां वाली करंट जितनी ज्यादा होगी उतना ही तो जीनर पर ज्यादा करंट आएगी, क्योंकि लोड करंट फिक्स है। क्लियर? अगर हम इस आर का मान, मेरी बात फिर से सुनो, वी इन पर कोई छेड़खानी नहीं है, आर एल पर कोई छेड़खानी नहीं है, दोनों फिक्स हैं, ओनली यू आर चेंजिंग दिस आर, आप केवल इस आर को बदल रहे हैं। तो अगर आर का मान आपने कम रखा तो क्या इस पर बनने वाली करंट ज्यादा नहीं हो जाएगी? ये भी तो एक डिजाइन एस्पेक्ट है। और अगर आर का मान मिनिमम है तो करंट शुड बी मैक्स, यहां वाली करंट मैक्स, तो इसका मतलब जीनर पर ये वाली करंट ज्यादा है, तो क्या जीनर पर ज्यादा करंट नहीं बनेगी? क्योंकि लोड की करंट फिक्स्ड है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां जीनर पर बनने वाली करंट मैक्स हो गई और आईएल क्या है? कांस्टेंट। बोलो यहां तक कोई इशू हो? यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो? अप टू दिस? फाइन, इसमें यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ये बना लीजिए जनरल केस। और आर मिन का फॉर्मूला आप क्या हो जाएगा? वी कैन से फ्रॉम दिस फॉर्मूला, आर मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर मिनिमम शुड बी वी इन माइनस वी जेड अपॉन आई मैक्स, और आई मैक्स का मान कितना था? आई जेड मैक्स प्लस लोड करंट। ठीक है, फाइन, ठीक है। अब आप देखो, अगर इसमें कोई इश्यू तो नहीं स्टूडेंट्स? आई को मैक्स बनाने के लिए, क्योंकि आर मिनिमम बना रहे थे तो ये आई मैक्स होना चाहिए, ये आई मैक्स, तो आई जेड मैक्स, और आई एल इस समय क्या था? फिक्स था। तो आपने इस फॉर्मूले को करेक्टराइज किया, दैट इज आर मिनिमम वैल्यू शुड बी इक्वल टू वी इन माइनस वी जेड डिवाइड बाई आई मैक्स, एंड दिस इज नथिंग बट आई मैक्स की वैल्यू आपको पता है, आई जेड मैक्स प्लस आई एल। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं यहीं से वैल्यू पता करना चाहूं, आई मैक्स प्लस, ओके फाइन, देखो
ललित इस बात को आप अंडरस्टैंड करो, यहां पर आर का सिलेक्शन कर रहे हो, आर की दो पॉसिबिलिटी है, एक मैक्स और एक मिन। तो मैंने पहले मान लिया कि मैं आर का मिनिमम मान निकालू, कौन सा मान निकाल रहा हूं, मिनिमम। आर मिनिमम के लिए, आर मिनिमम के लिए आप क्या कर रहे हो, अगर वैल्यू ऑफ आर मिनिमम आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आर मिनिमम का मतलब इस पर जाने वाली करंट क्या होनी चाहिए, मैक्स। फाइन, अब अगर आई मैक्स होगा तो आर मिन होगा, और इस आई मैक्स को निकालना अगर चाहे तो क्या यहां केसीएल भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यहां से आने वाली करंट आई मैक्स है, यहां जाने वाली करंट आई जेड मैक्स है, और ये वाली करंट लोड करंट फिक्स है। तो क्या इस रिलेशन पर जब आई अधिकतम बन रहा है, मान लो अगर ये 15 एम्पियर बन रहा है और ये 5 है, तो क्या ये ऑटोमेटिक 10 नहीं बनेगा, तो ये जितना ज्यादा होगा उतनी करंट यहां डिवाइड होगी क्योंकि यहां फिक्स करंट है। ठीक है, जितनी ज्यादा इनपुट करंट होगी उतनी ज्यादा करंट जीरर पर जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां वाली करंट फिक्स हो चुकी है। फाइन, चलो, तो आपने स्टूडेंट जनरल केस में पहला सिलेक्शन किसका किया है, आर मिनिमम का। This is nothing but R minimum. अगला सिलेक्शन हम R max का कर रहे हैं, ये लिख चुके हैं शायद सभी। फाइन, अब अगर यहां से जनरल केस में सेकेंड टॉप की जाए तो जनरल केस में सेकेंड टॉप का मतलब फिर से मैं फिगर बना रहा हूं, आप भी बनाएंगे। इस बार वी इन आर का मान सेलेक्ट कर रहे हैं मैक्स, पिछले बार आर कौन सा सिलेक्शन था, मिनिमम, इस बार सिलेक्शन कौन सा है, मैक्स। और यहां ये जीनर है। फाइन, अब जीनर के साथ यहां लोड रेजिस्टेंस देख रहे हैं, जो आरएल है वो फिक्स्ड है, इसी तरह वी इन भी फिक्स्ड है, ये दोनों बातें फिक्स हैं। अगर ये दोनों फिक्स है तो हम जीनर पर ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए वीजेड वर्ड यूज कर सकते हैं, तीन करंट्स बननी चाहिए। अगर आर मैक्स है तो यहां बनने वाली करंट आई मिनिमम होनी चाहिए, आई मिनिमम यहां है तो जीनर पर बनने वाली करंट भी मिनिमम होनी चाहिए, और लोड पर बनने वाली करंट आईएल कांस्टेंट है, अभी आईएल बदल ही नहीं रहे। दिमाग से ये फितूर हटाइए, जब इनपुट नहीं बदल रहे तो करंट कैसे मैक्स हो जाएगी, क्या प्रतिरोध नहीं बदल रहे स्टूडेंट्स? जब आप रेजिस्टेंस बदलोगे तो क्या करंट का मान, इनपुट करंट का मान नहीं चेंज होगा? मैं कब कह रहा हूं कि आप वीन बदल रहे हो, वीन इज फिक्स्ड, वीजेड इज फिक्स्ड, वीन और वीजेड का अंतर फिक्स है, बट क्या रेजिस्टेंस बदल नहीं रहे अब आप? अगर आप सुधर जाओ स्टूडेंट्स, सर आ ही खत्म कर दें, नेटवर्क मैंने ही पढ़ाई गलती से। ये बताओ मुझे
आर खत्म कर दे, इधर देखो इधर इधर इधर, ये खत्म कर दिया आपने, इधर देखो इधर इधर, 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स समांतर में कनेक्ट हो सकता है। सारे आइंस्टीन यही बैठ जाते हो एक साथ स्टूडेंट्स, वो तो अच्छा है जिगर बचा हुआ है। सर रेजिस्टेंस ही खत्म कर दें, वेरी गुड, खेल ही खत्म ना, पढ़ाई क्यों रहे हो आर को, छोड़ो आर। फाइन, आर मैक्स, सॉरी नाउ लिसन, इसको हटा नहीं सकते स्टूडेंट्स, यही तो एक लिमिटर है, यही तो प्रोटेक्ट करेगा इसको। अगर यहां वाला वोल्टेज सीधे सीधे यहां अप्लाई हो जाएगा तो क्या पैरेलल में वोल्टेज डैमेज का केस नहीं बन जाएगा, तभी तो इसको लिमिट कराएंगे यहां से। हाँ, अब देखो आर मैक्स का मतलब इन जनरल, पहले आई का मतलब क्या होगा, आई वैल्यू शुड बी, हम कह सकते हैं वी इन माइनस वी जेड अपॉन आर, फाइन, और इस आर का मान आप मैक्स रखना चाहते हैं। अगर R का मान मैक्स रखना चाहते हैं तो I का मान क्या बनेगा, मिनिमम, फाइन, क्लियर। और अब यहां KCL लगाइए तो आने वाली करंट I है, बाहर जाने वाली करंट जीनर करंट प्लस लोड करंट है, लोड करंट कांस्टेंट है, और ये वाली जो आई करंट है और ये वाली जो जीनर करंट है, अगर आई वाली करंट इनपुट वाली करंट मिनिमम है तो क्या जीनर पर भी मिनिमम करंट बनेगी, इज इट सो, सो यू कैन से फ्रॉम दिस कंडीशन वैल्यू ऑफ आर मैक्स शुड बी वी इन माइनस वी जेड अपॉन आई में। इसी को आप बोल सकते हैं वी इनपुट माइनस जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज डिवाइडेड बाई आई मिनिमम का मतलब आई जेड मिनिमम प्लस लोड का। फाइन है यहां तक, ये आर मैक्स की कंडीशन आ गई। अभी तक जस्ट हम लोग दो कंडीशंस पर गए, क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स केस 4 पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये रहा केस 4 सिलेक्शन ऑफ आर। इस पर मैंने पहली कंडीशन बताई है कॉन्सेप्ट ऑफ आर मिनिमम, और दूसरी कंडीशन बताई है कॉन्सेप्ट ऑफ आर मैक्स। आर मिनिमम का फार्मूला वी इन माइनस वी जेड अपॉन आई मैक्स था, इसी तरह आर मैक्स का फार्मूला वी इन माइनस वी जेड अपॉन आई मिनिमम था। और आई यहां देखिए, अगर यहां आई मैक्स है तो आई जेड भी क्या होगा, मैक्स, और यहां अगर आई मिनिमम है तो आई जेड भी क्या होगा, मिनिमम। ये दो बातें दिमाग में होनी चाहिए, फाइन, ठीक है। अब देखो यहां से अगर एक कंक्लूजन बनाने की कोशिश करें हम लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक कंक्लूजन पॉइंट ये भी निकल रहा है, यदि आर का मान, इफ आर का मान आपने आर मैक्स से बड़ा मान लिया,
इफ आर वैल्यू इज बेटर देन आर मैक्स तो क्या होगा, क्या आई का मान छोटा हो जाएगा उसकी मिनिमम करंट से, आई इज लेस देन आई मिनिमम। इसका मतलब क्या आई जेड लेस हो जाएगा आई जेड मिनिमम से, और अगर ये ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या जीनर डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, देन जीनर डायोड बिकम्स ओपन सर्किट। ये एक कंक्लूजन समझिए, यदि आर का मान आर मैक्स से ज्यादा हो गया, अभी समझाता हूं इसको, तो आई का मान आई मिनिमम से छोटा हो गया और इस समय जीनर पर करंट मिनिमम से कम हो गई, नी से कम हो गई, और अगर ये करंट मिनिमम से कम हो गई, नी करंट से कम हो गई, तो क्या ये जीनर डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, राइट? तो आप जीनर को ओपन सर्किट कंडीशन से बचाने के लिए हमेशा आर का मान किससे छोटा सेलेक्ट करेंगे, आर का मान आर मैक्स से छोटा होना चाहिए, बड़ा होने पर ये इश्यू आएगा, जीनर डायोड क्या हो जाएगा ओपन। ठीक है, फिर से सुनो, देखो ऊपर वाली कंडीशन को, इधर देखिए, पहले लिख चुके हैं, यहां तक आप लोग सभी लोग राइट कर चुके हैं, ठीक है। अब आर का मान ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आर का मान माना गया है अपनी मैक्स वैल्यू पर, राइट? यही आर था, इसको आपने क्या मान लिया, मैक्स। आप मानकर चल रहे थे कि ये मैक्स वैल्यू है, मतलब करंट अपने मिनिमम मान पर है, लेकिन ये वह करंट है जिस पर जीनर पर मिनिमम करंट बन रही है। अगर आई मिनिमम अपने मान पर है तो जीनर पर बनने वाली करंट भी अपने मिनिमम मान पर है, राइट? और लोड करंट क्या थी, कांस्टेंट। अब आपने क्या कहा, आर का मान ज्यादा कर दिया आर मैक्स से, तो क्या जो आई है वो छोटी हो जाएगी आई मिनिमम से, और आई मिनिमम से भी छोटी करंट अगर यहां जाएगी, आई मिनिमम से भी छोटी करंट यहां जाएगी, तो क्या जीनर पर बनने वाली मिनिमम करंट से भी वैल्यू लेस हो जाएगी। अगर जीनर की नी करंट से मान, मिनिमम करंट से मान लेस हो गया जीनर पर, तो क्या स्टूडेंट जीनर उस समय ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करने लगेगा, क्लियर? तो पहली रिस्ट्रिक्शन क्लियर है सबको, अगर आर मैक्स से ज्यादा का मान बनाओगे तो ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी, आई जेड क्या बनने लगेगा, आई जेड का मान उसकी नी करंट से भी छोटा हो जाए, राइट? और नी करंट से क्या, जीनर की कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो जीनर की कैरेक्टरिस्टिक पर अगर नी करंट से वो छोटा चला गया तब तो वो ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करने लगेगा, तो इससे छोटा बनाना चाहते हो क्या, इस करंट से नीचे ले जा सकते हो क्या इसको, तब तो ये ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करेगा, क्लियर? बोलो, जीनर कॉन्स्टेंट वोल्टेज डिवाइस कब काम करता है, जीनर कॉन्स्टेंट वोल्टेज डिवाइस कब काम करता है, इस वीजेड पर, इससे पहले वाले पर, और ये करंट कौन सी है, आई जेड मिनिमम। अब इससे अगर नीचे चला गया स्टूडेंट्स, तो क्या इससे नीचे जाने का मतलब वोल्टेज की वैल्यू अगर वीजेड से नीचे चला गया तो क्या ये कंडीशन ओपन सर्किट नहीं हो जाएगी, नॉर्मल रिवर्स बायस, यस? तो आप जीनर की करंट क्या आई जेड मिनिमम से नीचे ले जा सकते हैं, इट कांट बी पॉसिबल, यस? तो ये डिजाइनिंग एस्पेक्ट क्लियर होना चाहिए, आप हमेशा अभी 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 बर्न होगा स्टूडेंट्स, अभी बर्न होगा, मत घबराओ,
बर्न कब होगा, राइट। अभी जलाते हैं। देखो पहली कंडीशन क्लियर हुई क्या सबको, आर ग्रेटर देन आर मैक्स, फाइन। चलो अगली कंडीशन देखो, इफ इफ आर की वैल्यू, अगर आर मिनिमम से छोटी रख दें तो क्या उस समय जो करंट बनेगी आई वो अपनी मैक्सिमम करंट से बड़ी बनने लगेगी, और इस समय जो आईजेड बनेगा क्या वो आईजेड, क्या वो जीनर की करंट, क्या वो जीनर की करंट बड़ी बनने लगेगी अपनी आईजेड मैक्स से, और अगर ये आईजेड मैक्स से ऊपर बनी, जो लोग सोच रहे थे जीनर बढ़ नहीं हुआ, देन जीनर डायोड, देन जीनर डायोड विल बर्न आउट, तब जीनर डायोड क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, फाइन। अब जीनर डायोड किस कंडीशन पर है, बर्न आउट कंडीशन पर, क्योंकि आईजेड मैक्स, सूरज बर्न हो गया अब, ठीक है। आपको जो सिलेक्शन करना है आर का, वो कहां से कहां तक करना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ आर शुड बी, सिलेक्शन ऑफ आर शुड बी आर मिनिमम से बड़ा या बराबर, और आर मैक्स के बराबर या छोटा, राइट। यहां तक हमें सिलेक्शन करना चाहिए, आर मिनिमम और आर मैक्स तक, ठीक है। अगर यहां तक की कंडीशन हम बना लेंगे तो ये सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेट करेगा, राइट। क्लियर है सभी को, आईजेड मैक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां तक ये सेफली काम कर रहा है अभिनंदन, और आईजेड मैक्स पर कौन सा रेजिस्टेंस है, राइट। क्लियर है बात, हम सिलेक्शन आर मैक्स और आर मिन के बीच की बात कर रहे हैं, चलो। अब देखो, अब तक हमने ये समझ पाए हम लोग कि दो कंडीशंस है, जीनर को अगर प्रॉपर एज ए वोल्टेज सोर्स वर्क कराना है, जीनर को अगर एज ए प्रॉपर वोल्टेज सोर्स वर्क कराना है तो ये कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए, किस किस के बीच में, इधर देखो, इधर इस करंट नी करंट के बीच और इस जीनर की मैक्स करंट के बीच, अगर इन दो करंट तक है ये रेजिस्टेंस का सिलेक्शन, तो सब कुछ प्रॉपर है, राइट। और यहां से एक बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स, देखो एक बहुत अच्छा रिजल्ट है अपने पास, आईजेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, आईजेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। देखो जितना आर का मान आप बढ़ाते हो, क्या उतना आईजेड का मान बढ़ता है, सॉरी उतना आईजेड का मान घटता है, और जितना आप आर का मान कम लेते हैं
उतना आईजेड का मान बढ़ता है. दैट मीन्स आईजेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है, राइट? इनवर्स रिलेशन बता रहा है. अब चेक कर लीजिए, पहली कंडीशन पर देखो सभी लोग, अगर आपने आर मिनिमम लिया था, देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने आर मिनिमम लिया था तब आई जेड मैक्स बना था. यस, जब आपने आर मिनिमम लिया था तो आई जेड मैक्स बना. जब आर मैक्स था तब आई जेड मिनिमम बना. यस, दुनिया में सब कुछ मोह माया है स्टूडेंट्स. ओनली थ्री एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स. वन इज पूरे जीनर की समरी तीन पॉइंट्स है, बाकी सब मिथ्या है, भूल जाओ. आई जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट. आई जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर एल. आई जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R. जो कुछ आता है सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो. अगर ये तीन बातें याद हैं, जीनर इज ओवर. बस ये तीन बात दिमाग में रखो. दिमाग कम है, उस कमी को देखते हुए उतना ही दिमाग लगा पाएंगे आप. तो मैंने इसके लिए तीन जनरल स्टेटमेंट्स दिए हैं. यस नवीन, एक मिनट में जीनर कैसे सीखें? स्टूडेंट्स, ये दोनों रिजल्ट कंक्लूजन में आपसे होने चाहिए. यदि आर का मान आर मिनिमम से छोटा हो गया तो आई मैक्स हो जाएगा या आई जेड मैक्स हो जाएगा और जीनर डायोड बर्नआउट हो जाएगा. इसी तरह सेकंड केस, आर का मान अगर आर मैक्स से बड़ा हो गया तो आई छोटा हो जाएगा आई मिनिमम से और आई जेड मिनिमम से भी छोटा, जीनर डायोड ओपन सर्किट. बस ये दो क्रिटिकल बातें हैं जो दिमाग में आपको रखनी है. और इसको बी क्लियर, कोई भी स्टूडेंट्स रटने की कोशिश मत करना. मैं लास्ट में आपसे सारी बात खुद पूछूंगा चारों फिगर बनाकर, और आप खुद इसेंसली वे में आंसर रिप्लाई कर पाओगे, राइट? लेकिन अगर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है, अगर आपने अलग अलग चारों केस नहीं पढ़े ना, ये जो 1 मिनट वाली कहानी है, ये 1 मिनट आप समझ नहीं सकते, राइट? दिस 1 मिनट वाली स्टोरी को समझने के लिए पहले आपको ये चार केस स्टडी करने होंगे. और ये चारों केस में भी, अब देखो कहानी के इंटरेस्टिंग पार्ट, ये चौथा केस जितना नॉर्मल दिख रहा है उतना नॉर्मल है नहीं. अब इसकी अबनॉर्मलिटी चेक करो. अभी मैंने कुछ वैरी नहीं किया, मैंने केवल आर का सिलेक्शन कराया, राइट? तो जब आप कंपनी पर गए तो कंपनी में केवल ये पूछा गया कि अगर वी इन और लोड दोनों फिक्स है, इस आर का सिलेक्शन क्या करें? तो आपने आर की रेंज बताई. उसको क्या रेंज बताई? आपने कहा आर का सिलेक्शन आर मिन से आर मैक्स के बीच में कर दो, जीनर प्रॉपरली वर्क करेगा, राइट? लेकिन इस सिलेक्शन के बाद, ये जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, क्या अगर वी इन और लोड पर वेरिएशन होता तो हमें दोनों बातें चेक करनी पड़ती, फाइन? तो अब मैं आपको इसमें सब केस बता रहा हूं, क्लियर? और दिमाग में बस एक ही बात रखनी है स्टूडेंट्स, अगर आर का मान ज्यादा तो जीनर पर करंट कम, आर का मान कम तो जीनर पर करंट, सॉरी, आर का मान अगर कम है तो जीनर पर बनने वाली करंट मैक्स हो जाएगी, राइट? ये दो बातें बस दिमाग में रखनी है.
और वन बाय वन ये सारे कंक्लूजन पॉइंट आप बना लोगे। देखो आप, मान लो मैंने आपसे कहा कुछ डोमेन वाइज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मैं पहले रिजल्ट पर मूव कर रहा हूं, फर्स्ट रिजल्ट पर अगर हम लोग मूव करें तो मान लीजिए अब मैंने आपको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में एक बात बोली, लिखेंगे सभी लोग सब केस फर्स्ट, केस फोर का सब केस, केस फोर ये समझ में आ गया कि आर मैक्स और आर मिन बनने वाला है। अब इसके सब केसेस की बात करते हैं, इसके सब केसेस पर पहला सब केस लेते हैं हम लोग, फाइन। देखो इसमें हेडिंग डालो सब केस में, इफ वीजेड एंड आईजेड मैक्स आर गिवन, वीजेड एंड आईजेड मैक्स आर गिवन, क्या क्या गिवन है, वीजेड एंड आईजेड मैक्स एंड वैल्यू ऑफ आर एल इज नॉट नोन, आर एल का मान नहीं पता, वैल्यू ऑफ आर एल इज नॉट नोन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सब केसेस को धीमे धीमे ऑब्जर्व करिएगा, यहां पर बोला गया वी इन और वी इन के साथ यहां एक आर कनेक्ट है, फर्दर यहां एक जीनर डायोड लगा है और इसके बाद एक आरएल लगा हुआ है। ये जो आरएल लगा हुआ है ये वेरिएबल है, बट आरएल इज नॉट नोन, RL का मान नहीं दिया, RL is not known, क्या क्या दिया है, VZ and IZ max, VZ and IZ max are given, मैं फिर से लिख रहा हूं VZ and IZ max are given, ये दोनों बातें दी हुई हैं, लिख लो यहां तक, फिर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में बहुत आसान हो जाएंगी सारी बातें, अभी थोड़ा सा स्टूडेंट्स अलग अलग केस स्टडी करना पड़ता है क्योंकि इसको प्रॉपर वे में समझना है। फाइन है यहां तक, ठीक है। अब देखो वीजेड एंड आईजेड मैक्स आर गिवन, VZ and IZ max are given। चलिए अब मुझे R का मान निकालना है students, right? अगर मुझे R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सभी लोग ध्यान दें, मैं यहां पर वैल्यू ऑफ R मिनिमम की बात कर रहा हूं, क्या पूछेगा यहां पर आपसे, आर मिनिमम, देखो क्या आप पूछ रहा है वो, आर मिनिमम का मान क्या रखें, आर मिनिमम का मतलब है यहां पर लिसन, अगर आर मिनिमम वो पूछेगा तो यहां कौन सी करंट बननी चाहिए, मैक्स करंट, क्लियर है क्या सबको, अगर आर मिनिमम की बात करेगा तो मैक्स करंट बननी चाहिए, तो यहां पर सबसे पहले R minimum should be equal to, इस नोड का वोल्टेज V in है और इस नोड का वोल्टेज VZ है,
बताइए आर मिनिमम का मान, वी इन माइनस वी जेड अपॉन आई मैक्स होना चाहिए, फाइन है यहां तक मेरी बात? और आई मैक्स के लिए देखो इधर केसीएल अगर लगाएं तो आई बराबर जीनर पर करंट क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, आई जेड, लोड पर करंट क्या होनी चाहिए, आईएल। अब मुझे बताओ अगर आई बराबर आई जेड प्लस आईएल है और आप इस आई पर मैक्स करंट बनाना चाहते हैं तो जीनर की करंट भी क्या होनी चाहिए, मैक्स। जीनर की करंट क्या होनी चाहिए, मैक्स। एक्सेप्टेड? हाँ, अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, इधर देखो इधर इधर बोर्ड पर मैंने क्या बोला है, इस केस में मैंने बोला आई को मैक्स होना चाहिए तो आई जेड भी मैक्स होना चाहिए, ये ज्यादा अगर होना चाहिए तो क्या लोड वाली करंट अगर वेरिएबल है, आरएल अगर वेरिएबल है तो क्या यहां की करंट जितनी कम होगी उतना अच्छा है, तभी तो दोनों का अंतर मैक्स होगा। इज इट सो? लोड वाली करंट जितनी मिनिमम होगी उतना ही तो आई मैक्स होगा, क्योंकि इसने क्या वेरिएबल बोल दिया है, आरएल। अगर आरएल वेरिएबल है तो लोड करंट वेरिएबल है, लोड करंट का कौन सा मान ले अगर यहां मैक्स करंट चाहिए, लोड करंट का मिनिमम मान। होप सो ये बात यहां तक जस्टिफाइड है, राइट? हाँ, दैट इज लोड इज मैक्सिमम, आरएल मैक्स होगा, लेकिन हम लोग करंट के टर्म्स पर बात करेंगे तो मैंने बोला आईएल का मान मिनिमम स्टूडेंट्स, मैं फिर से पूछ रहा हूं, इसमें कोई इश्यू तो नहीं? अगर आई मैक्स हमें पता चल गया तो देखो आर मिनिमम का मान अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वी इन फिक्स है, वी जेड फिक्स है, आई मैक्स का मान क्या हो जाएगा, आई जेड मैक्स प्लस आई एल मिनिमम, राइट? हाँ, अब मेरी बात को अंडरस्टैंड करें सभी लोग, अगर प्रॉब्लम में आर एल, देखिए देखिए स्टूडेंट्स ये केस क्यों लिया है, इफ इन द न्यूमेरिकल, अब से दिमाग कहां है आपका, अगर आप आई एल मैक्स ले लोगे तो आई कैसे मैक्स बनेगा, आप मुझे एक बात बताइए, ये मैक्स है और इस जेड को भी मैक्स बनाना है, ये तभी पॉसिबल है जब यहां मिनिमम करंट हो, ये पूरी करंट अगर यहां जितनी ज्यादा जाने लगेगी उतनी तो यहां कम जाएगी, और ये कब हो सकता है, जब इस लोड रेजिस्टेंस का मान बढ़ा दो, पता क्या कर रहे हो ये भी तो देखो, आप क्या पता कर रहे हैं, आर मिनिमम, आर मिनिमम पता करने के लिए ये करंट मैक्स होनी चाहिए, ये मैक्स तो ये भी मैक्स, ये दोनों मैक्स कब हो सकती है, जब ये मिनिमम इसको होना ही पड़ेगा अगर आर एल वेरिएबल है, बोलो स्टूडेंट्स। आप आर को मिनिमम बनाना चाहते, आर मिनिमम होने का मतलब यहां बनने वाली करंट मैक्स होना और जीनर की करंट भी मैक्स होना, यहां करंट मैक्स कब हो सकती है, जब लोड की करंट मिनिमम हो जाए, ठीक है? अब ये सिली डाउट नहीं बनने चाहिए स्टूडेंट्स, मैंने तीनों केस अलग अलग आपको बताए, केवल आप नोट्स ओपन करके बैठ जाए क्लास में इसका सेंस नहीं है स्टूडेंट्स, एटलीस्ट ये जो ग्रंथ आप बना रहे हैं बाइबल कुरान गीता, ठीक है,
इनको कभी रूम पर भी पेज, अच्छा वैसे ही ठंडी का मौसम है, फैन वैन चल नहीं, हाँ जस्ट स्टार्ट करें, हाँ फाइन, ठीक है ठीक है। अब देखिए हाँ आई थिंक अब मैं ऑडिबल हूंगा, फाइन। आर मिनिमम का मान जब हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आर मिनिमम का मान निकालते समय हमें अगर लोड के बारे में कुछ, देखो इधर मैंने क्या बोला, यदि क्वेश्चन में आरएल बताया नहीं गया और अपने को ये मान पता करना है, तो क्या स्टूडेंट लोड की मिनिमम करंट का आइडियल मान फॉर आइडियल लोड करंट, फॉर आइडियल आई एल मिनिमम शुड बी जीरो, या आरएल मैक्स का अधिकतम मान अनंत हो सकता है, तो आई एल मिनिमम का मान क्या हो जाएगा, जीरो। ये मान अगर यहां पुट कर दिया जाए तो क्या आर एल मिनिमम का, सॉरी आर मिनिमम का मान वी इन माइनस वी जेड अपॉन आई जेड मैक्स हो जाएगा। ये तब की बात है जब आपको क्वेश्चन में आर एल भी दिया नहीं होगा, बस लिखा होगा आर एल वेरिएबल है, ठीक है इसको लिख लीजिए। अभी मैंने फर्स्ट केस लिया है वैल्यू ऑफ आर मिनिमम, बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल, इस बार क्वेश्चन में लिखा था, देखिए आप मेरे कंक्लूजन पॉइंट को समझें, मैंने बोला है VZ और IZ max जब क्वेश्चन में दिया हो तब की बात कर रहे हैं, IZ max कब होगा, जब I max होगा, मतलब R minimum की बात हो रही है, और एक बार फिर से अब जब कैलकुलेशन करेंगे, लिख लो यहां तक, बिल्कुल निजाम हो सकता है, आईजेड मिनिमम होगा, अगला केस वही है, कंप्लीटेड फाइन। अब देखो इसका मतलब आर मिनिमम सबको क्लियर हो गया, इधर मेरी बात को सुनना स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये भी हुआ, देखो इधर इधर देखो 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 इधर, यदि प्रॉब्लम में इस पॉइंट को समझना,
अगर इनपुट भी वेरिएबल होता तो क्या मैं कह सकता हूं इफ आर मिनिमम, तो आर मिनिमम के लिए आईजेड, आईजेड का मान आईजेड मैक्सिमम होगा। देखो इधर से आईजेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है, तो अगर आर मिनिमम होगा ये छोटा है तो क्या आईजेड अपने मैक्सिमम मान पर होगा, और आईजेड को मैक्स होने के लिए इनपुट करंट आई को क्या होना पड़ेगा, आई मैक्स। आई मैक्स होने का मतलब वी इनपुट को क्या होना पड़ेगा, वी मैक्स। इज इट नॉट सो, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, अगर वी इनपुट के साथ भी वैल्यू गिवन होती। अभिनंदन, इज इट क्लियर? अगर वी इन भी चेंज हो रहा होता तब की बात लिख दी है मैंने डायरेक्ट, बदल नहीं रहे, राइट? नहीं तो फिर केसी बनाते रह जाएंगे दो चार क्लास और। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए सर एजम्पशन, हाँ बिल्कुल, एजम्पशन का मतलब है इफ, अगर आपको नहीं दिया हुआ कुछ आई एल मिनिमम, तो मैंने बोला अगर आर एल वेरिएबल है तो आर एल को एजम्पशन में क्या बोल सकते हैं, अगर नहीं गिवन तो क्या करना होगा, एजम्पशन ये होगा आर एल शुड बी मैक्स, और आर एल मैक्स का मतलब आई एल मिनिमम, आर एल मैक्स आदर्श कंडीशन में अनंत, तो आई एल मिनिमम। जी फाइन, कोई इश्यू इसमें? अप टू दिस किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो दे कैन आस्क, रेज योर क्वेरी। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, अप टू दिस अगर कोई प्रॉब्लम है, फाइन। क्लियर है यहां तक मेरी बात? देवेंद्र कहां से स्क्रीनशॉट लेना है, शायद यहीं से लेना होगा। नेक्स्ट यहां हो सकता है, ठीक है फाइन। अब देखो अगर इस समय हम बात करें, मैंने पहले केस की बात की थी वैल्यू ऑफ आर मिनिमम सब केस फर्स्ट, अब इसी का अगर मैं सब केस टू देखूं, सब केस सेकेंड, देखो स्टूडेंट पढ़ाना केस था सब केस फर्स्ट सब केस सेकेंड, बट पहले मैंने गरीबी को देखते हुए दोनों को फिक्स करके आर को केवल वेरिएबल किया और समझाया आपको आर मैक्स और आर मिन का कॉन्सेप्ट, राइट? अब मैं सब केसेस बना रहा हूं। चलिए सब केस सेकेंड पर वैल्यू ऑफ आर मिनिमम, वैल्यू ऑफ आर मिनिमम इस पर लिखा है इफ वीजेड एंड, क्वेश्चन वही है, लिखा है इफ वीजेड एंड, ध्यान से देखो बोर्ड पर, आईजेड मैक्स की जगह आईजेड मिनिमम दिया है, इफ वीजेड एंड आईजेड मिनिमम इज नोन, क्वेश्चन में अगर ये दिया है वीजेड एंड आईजेड मिनिमम एंड अगेन आर एल इज वेरिएबल, आर एल क्या है वेरिएबल बट वैल्यू इज नॉट गिवन, राइट? आर एल अभी फिर से क्या है वेरिएबल, अब अगर आर एल वेरिएबल है स्टूडेंट्स और इस समय अगर आर एल वेरिएबल है
सॉरी आर एल का मान तो इस समय दिया होगा, अब वेरिएबल नहीं हो सकता, आर एल इज वेरिएबल ओनली। हाँ अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इस समय सर्किट को जरा देखिए, वी इन फिक्स है, यहां आर का मान सभी लोग बताओ मुझे, आई जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर, अगर जेड आई जेड मिनिमम बन रहा है तो आर कौन सा बन रहा होगा, मैक्स। क्लियर, इसका मतलब इस बार किसकी कहानी हो रही है, आर मैक्स की, आर मैक्स है तो करंट कौन सी होगी इस पर, आई मिनिमम। क्लियर, आई जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना आर, और क्या दिया है इस बार आपको, जीनर की मिनिमम करंट या मैक्सिमम करंट, जीनर पर इस बार मिनिमम करंट पता है, अगर मिनिमम करंट पता है तो क्या स्टूडेंट्स आर मैक्स की बात हो रही है या मिन की, क्लियर। अब इसके बाद यहां जीनर पर बनने वाला वोल्टेज वीजेड है, इसके बाद लोड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, दिस इज आरएल, आरएल अगेन वेरिएबल है, ठीक है, वीजेड और आईजेड मिनिमम इस बार पता है, वीजेड एंड आईजेड मिनिमम इज नोन, फाइन। अगर ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट सभी को, तो क्या इस बार आर का मान कैलकुलेट हो सकता है, फिर से देखिए, अगर मैं आई की वैल्यू पता करूं, कैन आई से आई वैल्यू शुड बी, क्या इस नोड का वोल्टेज वी इन है और इस नोड का वोल्टेज वी जेड है, तो वी इन माइनस वी जेड अपॉन, आप अगर स्टूडेंट्स ये क्लियरिटी है सबको कि अगर जीनर की मिनिमम करंट पता है तो आर कौन सा निकाल रहे हो, मैक्स, अगर ये आर मैक्स है तो यहां करंट कौन सी पता कर रहा हूं मिन, तो आई बराबर होना चाहिए था दिस, करंट कौन सी पता कर रहे हो मिनिमम, करंट कौन सी पता कर रहे हो मिनिमम, आई मिनिमम का मतलब आर मैक्स, तो यहां से अगर आर मैक्स पूछा जाए, Can I say V in minus VZ upon I minimum? लगाओ KCL. KCL क्या कहता है स्टूडेंट्स, इनकमिंग करेंट आने वाली धारा बराबर बाहर जाने वाली धारा, यहां दो करेंट्स का डिवीजन हो रहा है, एक IZ, इस बार I minimum है तो IZ भी minimum होगा, पर लोड करेंट क्या इस बार मैक्स नहीं हो जाएगी, आई एल मैक्स। तो आपने कहा आई बराबर होना चाहिए था आई जेड प्लस आई एल, ये दोनों बातें होनी चाहिए थी राइट, टोटल करंट आई का मान आई जेड प्लस आई एल के इक्वल होना चाहिए, होप सो मेरी बात क्लियर है, और आपको जीनर पर मिनिमम करंट बनानी है, मतलब इनपुट करंट भी क्या होगी मिनिमम, तो लोड करंट अगर लोड वेरिएबल है तो लोड पर कौन सी करंट होनी चाहिए मैक्स, इसका मतलब अगर कोई पूछे आर मैक्स का फार्मूला कंप्लीट, तो हम कह सकते हैं वी इन माइनस वी जेड अपॉन आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम, ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, और फॉर्मूले रिकॉल मत रखना स्टूडेंट्स, कोई जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट हिट होंगे, बस आप एस्पेक्ट समझते जाओ कि हाँ ऐसा है या नहीं। हमने इस केस में
क्वेश्चन में क्या माना है, क्या गिवन होगा, आईजेड मिनिमम और वीजेड। अगर आईजेड मिनिमम दिया है तो आई मिनिमम पता करना होगा, और आई मिनिमम के लिए आर मैक्स, दैट शुड बी द वैल्यू। ठीक है, फाइन। Completed? Clear? इसका मतलब सेम प्रॉब्लम में अगर वीन की रेंज दी होती है स्टूडेंट्स, राइट, तो क्या आई मिनिमम के लिए यहां वी मिनिमम सेलेक्ट कर लेते, आर मैक्स के फॉर्मूले में वी इन, देखो इधर अगर नीचे हमें यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर वी इन पर कोई वैल्यू मैक्स पता होती, राइट, तो क्या हम यहां पर फॉर्मूले पर वी मैक्स, ठीक है, वैल्यू पता कर सकते थे आर मैक्स, सॉरी, क्लियर। और आर मैक्स पता करने का मतलब V इनपुट का कौन सा मान ले करंट को मिनिमम पता करने के लिए, ये वाला V क्या होना चाहिए, मिनिमम, राइट। अगर ये मिनिमम होता तो मैं ऐसा बोल सकता हूं R max का मान, नया केस नहीं बना रहा, इसी पर लिख देता हूं V in max, सॉरी नॉट max, V in min माइनस VZ अपॉन IZ मिनिमम प्लस I। सर VZ मिनिमम कैसे ले रहे हैं, इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो, अगर आपने, सुनिए स्टूडेंट्स, जिसका भी डाउट है सुनो, अगर आपको क्वेश्चन में IZ मिनिमम दिया है तो क्या IZ मिनिमम के लिए I मिनिमम होना चाहिए, और I मिनिमम के लिए V इनपुट भी कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, दैट्स ऑल। IZ मिनिमम क्वेश्चन में दिया है, इसको बनाने के लिए इनपुट करंट मिनिमम होनी चाहिए, इनपुट करंट को मिनिमम करने के लिए इनपुट का, अगर इनपुट पर रेंज गिवन होती तो वीन का कौन सा मान लेते मिनिमम। सो होप अब आप दोनों केसेस, सब केसेस का मतलब समझ गए हैं, राइट, दोनों सब केसेस अब क्लियर हैं स्टूडेंट्स, मतलब बनने दो, चार केस चाहिए, मैंने दो केसेस से कहानी पूरी कर दी है, क्लियर। एक बार सब केस फर्स्ट फिर से सुन लीजिए, सब केस फर्स्ट पर आर मिनिमम की कैलकुलेशन थी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था, आईजेड मैक्स, और अगर किसी क्वेश्चन में आईजेड मिन दिया होगा स्टूडेंट्स, तो पक्का है आर मैक्स की कैलकुलेशन हो रही होगी, तो डिपेंड्स ऑन की प्रॉब्लम में क्या दिया है, और अगर इनपुट वोल्टेज भी वेरिएबल है, अगर इनपुट वोल्टेज भी वेरिएबल है तो ध्यान रखेंगे मेरी बात का, इनपुट वोल्टेज अगर वेरिएबल होता और मैक्स करंट चाहिए तो यहां वी इनपुट का मैक्स लेंगे। इसी तरह सेकंड केस में अगर आई मिनिमम चाहिए तो वी इन का मिनिमम लेंगे, राइट। फाइन, चलो अब यहां पर हाँ, बस यही दो बातें ध्यान रखो, अगर ये दो बातें क्लियर है तो फिर कुछ फंसेगा नहीं, अगर ये दो बातें आपको क्लियर है तो आप सारी कैलकुलेशन कर ले जाओगे, फाइन। एक क्वेश्चन लिखिए, अब यहां से हम लोग दोनों वेरिएबल है तब की बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखो, यहां से क्लियरिटी आएगी, लिखो एक क्वेश्चन आप लिखें, यहां से आपको क्लियरिटी आएगी स्टूडेंट्स, वन बेसिक न्यूमेरिकल इज नीडेड। क्वेश्चन लिखो, फॉर द मैं आपको दोनों एस्पेक्ट यहीं से समझाता हूं,
क्वेश्चन लिखिए। फॉर द जीनर रेगुलेटर, फॉर द जीनर रेगुलेटर, बात किसकी हो रही है? जीनर रेगुलेटर की। फॉर द जीनर रेगुलेटर, फॉर द जीनर रेगुलेटर हैज एन फॉर द जीनर रेगुलेटर हैज एन इनपुट वोल्टेजेस, इनपुट वोल्टेजेस वेरिंग बिटवीन, इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहे हैं, वेरिंग बिटवीन, इनपुट वोल्टेज वेरिंग बिटवीन, इनपुट वोल्टेजेस वेरिंग बिटवीन 20 वोल्ट एंड 30 वोल्ट, द डिजायर्ड रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज इज, आउटपुट वोल्टेज इज 12 वोल्ट, डिजायर रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज कितना है 12, फुल स्टॉप। व्हाइल द लोड वेरीज बिटवीन, व्हाइल द लोड वेरीज बिटवीन, जब लोड को वेरी करा रहे हैं बिटवीन 140 ओम, 140 ओम एंड 10 किलो ओम, द मैक्सिमम रेजिस्टेंसेस, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन सीरीज, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द अनरेगुलेटेड सोर्स एंड जीनर डायोड वुड बी, एंड जीनर डायोड वुड बी, फोर ऑप्शंस थे, जीनर डायोड वुड बी। हाँ लिख लिया सभी ने, देखो इधर क्वेश्चन को जरा समझो। क्वेश्चन पर बोला जा रहा है एक जीनर रेगुलेटर सर्किट है, इस रेगुलेटर सर्किट पर इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहे हैं 20 वोल्ट से 30 वोल्ट के बीच में, और जीनर पर ब्रेकडाउन वोल्टेज 12 वोल्ट है, लोड रेजिस्टेंस आरएल 140 ओम से 10 किलो ओम के बीच में वैरी कर रहा है, तो ये आरएल मिनिमम है और ये आरएल मैक्सिमम है, ठीक है। एक बार मैं सारी बातें लिख देता हूं, ठीक है, फाइन, हाँ ठीक है आ रहा है, सॉरी। एक बार आपको प्रॉपर क्वेश्चन को
तो ड्रा कर लीजिए, फिगर दिया नहीं था, बना लिया जस्ट हमने, ये सर्किट डायग्राम गिवन नहीं था स्टूडेंट्स, जस्ट हम लोगों ने ड्रा कर लिया है, ठीक है। अब सोचो इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से अगर हम लोग कैलकुलेशन को करना चाहें, आया नहीं अभी तक किसी का, इतना बड़ा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। देखो एग्जामिनर ने बोला है फॉर द जीनर रेगुलेटर हैज एन इनपुट वोल्टेज, कहां से कहां वेरी करा रहा हूं, 20 से 30, कैन आई से दिस इज वी इनपुट मिनिमम है और ये वी इनपुट मैक्स दूसरा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब से गलत है, बिल्कुल गलत है, टोटली रॉन्ग। अब देखो, हाँ रिप्लाई किया, ये अच्छी बात है, बाकी लोग कैमरा ऑन रखो स्टूडेंट्स, कोई रिप्लाई रिप्लाई से मतलब नहीं है, बैठे हो। तुरंत मैंने कहा कैमरे ऑन रखो, संदीप विनय सुजीत पवन ज्ञान प्रभा रोशनी रिंकी राजकुमार ऋषभ, सुनील संतोष गोविंद शिवम धीरा सत्यम रिंकी महिमा संजय सिद्धा, यू ऑल शुड ओपन योर कैमरा। नो शिवम गलत, सिंपल क्वेश्चन इज देयर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। देखो सबसे फर्स्ट जीनर पर आपको इनपुट 20 से 30 वेरी करा रहा है और आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट मेंटेन करना है, मतलब जीनर का ब्रेकडाउन 12 है, लोड वेरी कर रहा है 140 से 10 किलो, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द अनरेगुलेटेड सोर्स एंड जीनर डायोड, राइट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आर मैक्स बताना है, यस, क्या कैलकुलेट करना है, आर मैक्स पता करना है, स्टूडेंट बोर्ड पर रहो, बोर्ड पर तुरंत आर मैक्स मतलब यहां आई मीन, अगर आर मैक्स पता करना है तो आई मीन इसका मतलब जीनर पर करंट कौन सी होगी, कंफर्म है जीनर पर मिनिमम करंट होनी चाहिए, चीनर पर कौन सी करंट होनी चाहिए मिनिमम, यस। और जब आप इस परमुटेशन को स्टार्ट करेंगे तो ये क्लियरिटी आनी चाहिए तुरंत, आर मैक्स का मान निकालते समय वी इनपुट माइनस वी जेड, वी इनपुट माइनस वी जेड, ध्यान से देखो वी इनपुट माइनस वी जेड अपॉन, हम बात किसकी कर रहे हैं, आई मिनिमम की, इधर 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 बोर्ड पर सब बोर्ड पर कौन सी करंट निकालनी है आई की मिनिमम, दोनों वोल्टेज में कौन सा वोल्टेज लेना होगा मिनिमम करंट के लिए, अगर मिनिमम धारा चाहिए, पहले क्वेश्चन सुनो, आर मैक्स चाहिए बनने वाली करंट, मिनिमम चाहिए
करंट मिनिमम कब होगी, जब यहां वाला कौन सा वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे 20 या 30 छोटा वोल्टेज, तब यहां की धारा मिनिमम होगी। तो इसका मतलब वी इन शुड बी वी इन मिनिमम माइनस वी जेड। और आई मिनिमम अभी बता देते हैं। आई मिनिमम का देखो मतलब क्या है, इधर देखो, इधर 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 अगर मैं केसीएल सेटिस्फाई करूं तो आई बराबर आई जेड प्लस आई एल होना चाहिए, इज नॉट सो? ये सभी को क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। मैंने आंसर सबका चेक कर लिया, घबराओ नहीं स्टूडेंट्स, आंसर चेक सबका चेक कर लिया, घबराओ नहीं, ठीक है, बाद में मैं भी बोलता हूं। अब यहां पर अगर आई मिनिमम चाहिए, देखो दोनों वेरिएबल हैं, आई मिनिमम चाहिए तो आई जेड मिनिमम लेंगे, और जो आई एल है पक्का क्या वो मैक्स होगा, क्योंकि तो दोनों वेरिएबल का केस है। इधर देखो, इधर 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 देखो, सब लोग बोर्ड पर, आई जेड प्रोपोर्शनल वी इन होता है, और अगर आई मिनिमम चाहिए तो आई जेड के लिए वी इन भी कौन सा चाहिए मिनिमम, आई जेड प्रोपोर्शनल आर एल होता है, अगर याद हो आपको, अगर आई जेड मिनिमम चाहिए तो आर एल मिनिमम चाहिए। आर एल मिनिमम तब मिलेगा जब लोड करंट मैक्सिमम हो। तीसरी बात, आई जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R, आर मैक्स उसने बोला है तो पक्का है आई जेड मिन चाहिए। और आई जेड मिन कब हो सकती है, तीर लगाते जाओ, आई जेड मिन कब हो सकती है, जब आर एल मिनिमम हो। आई जेड मिन कब हो सकती है, जब वी इनपुट मिनिमम हो। तो वी इनपुट वाले फार्मूले में वी इन का कौन सा मान मिनिमम, और आई जेड कब मिनिमम होगा, जब यहां की करंट मिनिमम हो जाए, तो आई मिनिमम आई एल मैक्सिमम आई जेड मिनिमम। क्या स्टूडेंट आंसर आपके सामने, क्लोज योर आईज एंड राइट द आंसर्स, थिंक द आंसर्स। अगर आप यहां पर अब लिखना चाहते हैं आई मिन, आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्स होना चाहिए। और मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इफ आई जेड मिनिमम इज नॉट गिवन, पढ़ लिया रिप्लाई, हाँ, इज नॉट गिवन, देन आदर्श रूप में आई जेड मिनिमम का मान क्या होता है? क्या इस क्वेश्चन में आर एल का मिनिमम मान पता है, तो क्या आई एल मैक्स पता चल जाएगा? आई एल मैक्स बराबर लोड वोल्टेज बटे आर एल मिनिमम। लोड वोल्टेज कितना है जीनर पर, ये 12 वोल्ट, तो यहां का वोल्टेज 12, यू कैन राइट 12/140। होप सो मेरी बात यहां तक सभी को क्लियर है। फाइन, अब देखो, अगर आप यहां आर मैक्स के फॉर्मूले पर वैल्यू अप पुट करें, तो आर मैक्स बराबर होना चाहिए वी इन पुट का मिनिमम मान माइनस वी जेड अपॉन आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम। वी इनपुट मिनिमम का मान, वी इनपुट मिनिमम का मान कितना है, 20, जीनर पर ब्रेकडाउन 12, जीनर की मिनिमम नी करंट 0, प्लस लोड करंट 12/140। कहीं पढ़ा था 20 - 12 8 होता है, 8/12/140, दैट शुड बी इक्वल टू 8 × 140/12, 4 × 2 = 4 × 3 = दिस इज 280/3, दिस इज नथिंग बट 93.something वैल्यू आ रही होगी, यू कैन चेक दिस। हाँ, देख लिया
फोन पर भी मैं रिप्लाई देख रहा हूँ, सोल्यूशन देख लिया, हाँ जो भी कह रहा हो बगल पे रखा है। सर रिप्लाई लैग करके आपके पास, अरे रिप्लाई कहीं नहीं लैग कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, डोंट टेल मी द स्टोरी। एक सौ सोलह 81.686, सबको मेरी बात क्लियर है? 70.58, बताओ कहीं भी दिक्कत हो। अरे लैग कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल लैग कर रहा है, मान ली मैंने आपकी बात। क्वेश्चन कहाँ लैग कर गया बताओ, जो पढ़ाया है वही तो है। कोई भी स्टेप जो समझ में नहीं आ रहा हो, भटक कहाँ गए थे? मैं भटकती हुई आत्माओं से ही बात कर रहा हूं, हाँ इसमें भटक कहाँ गए थे, कैसे आंसर इधर उधर आ रहे थे? मैक्सिमम तो सही था, मैक्सिमम का सही था। क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। इसका मतलब ऐसी प्रॉब्लम में स्टूडेंट जनरल एक कन्वेंशन आप अपने दिमाग में बस बनाइए। देखो इधर फिर से सुनो, क्या हो गया सभी का? चले स्टार्ट, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो यहां पर अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जरा समझेंगे। एक्चुअल में जैसे मान लो किसी न्यूमेरिकल में, मेरी बात आराम से लिख के लिसन करो और घबराने की जरूरत नहीं, अगर एक बार में नहीं भी कर पाए, इट नीड्स सम प्रैक्टिस ओनली। दिस इज वी इनपुट और वी इनपुट का मान 20 वोल्ट से 30 वोल्ट पर वैरी कर रहा है, ठीक है, 20 to 30। पूछा गया कि आर का अधिकतम मान क्या सेलेक्ट करें, आर मैक्स, जो अनरेगुलेटेड सप्लाई, रेगुलेटेड का मतलब कांस्टेंट से था, अनरेगुलेटेड है, कांस्टेंट नहीं है, हाँ 20 to 30 के बीच में है, और जीनर पर ब्रेकडाउन 12 दिया है, लोड रेजिस्टेंस का मान, आरएल का मान 140 से 10 किलो ओम तक दिया है, राइट, ये क्वेश्चन था। अब आराम से लिसन करो स्टूडेंट्स, देखो दो बातें हैं यहां, आरएल भी वैरी कर रहा है, वी इनपुट भी वैरी कर रहा है, यस। सबसे पहले मेरी बात को प्रॉपर ऑब्जर्व करना, मैंने कहा था दुनिया में सब कुछ भूल जाना, जीनर में केवल 3 बात, 1 मिनट में जीनर कैसे सीखें, राइट, केवल 3 बात, जीनर करंट हमेशा प्रोपोर्शनल है वी इनपुट, जीनर करंट हमेशा प्रोपोर्शनल है लोड रेजिस्टेंस, बस जीनर करंट रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स है, बाकी दोनों के साथ सेम रिलेशन, राइट। अब जरा देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहला वर्ड क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, पहला हिंट देखो, आर मैक्स, राइट। अरे आपके यहां स्टूडेंट्स इतने न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं है, राइट,
ना 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 बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे पता है जो केस मैं नहीं करवाऊंगा वही जो स्टाफ को फोटो खींच के भेज देना है, इसलिए मैं केस सारे करवा दे। एक बार जीनर ऐसा हो जाए कि जिंदगी भर के लिए जीनर ही हो जाए, राइट, इसलिए मैंने सारे केस करा दिए। कई बार आप लोग ना, आप लोगों का टारगेट ये होता है कि बोले सर वो हमें तो गेट का क्वेश्चन करना है, केवल वही पढ़ना है जो एग्जाम में नहीं आता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसी हिसाब से चल रहा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि नहीं सर थोड़ा डीप में हो जाए, तो मैंने कहा लो अभी मेरे पास 12 केस और हैं, साइन के साथ, ड्राफ्ट के साथ, क्लिपर के साथ, क्लैंपर के साथ मिक्स करते हुए, राइट। मेरी विर्थ स्टूडेंट्स पूरे एक महीने की है अकेले जीनर पर, और ये मेरे पार्ट टाइम बॉलिंग सब्जेक्ट है, मेरी ब्रांच का सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी आपके लिए मोर देन इनफ थ्योरी है, समझ गए आप? हाँ, दिस इज नॉट माई बैटिंग स्ट्रेंथ, दिस इज माई बॉलिंग, आई एम द पार्ट टाइम बॉलिंग ऑफ डिवाइस एंड दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट टाइम बॉलर ऑनली, लेकिन आप लोगों के लिए वो भी इनफ है। मेरी पार्ट टाइम बॉलिंग भी ऑल ओवर इंडिया कोई टच नहीं कर पाता, घबराऊ नहीं। चलो नेक्स्ट, दिस इज 20 to 30, लिसन केयरफुली, लिसन लिसन लिसन, आरएल पर, आरएल, दिस इज आरएल, इस आरएल पर 142-10K दिया है और आर मैक्स पूछा है और वीन दो पार्ट्स पर है, राइट। तो अगर स्टूडेंट जब कभी आप लोग सिविल सर्विसेज राइट करेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो वहां पर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है, राइट। All the subjects you should give preference. जब कभी आप सिविल सर्विसेज इलेक्ट्रिकल ब्रांच से फाइट करेंगे, हालांकि गलती मत करना, क्योंकि सिविल सर्विसेज नॉन टेक्निकल से फाइट करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू टेक्निकल, बट अगर इलेक्ट्रिकल से आप फाइट करते हैं तो वहां पर सारे सब्जेक्ट्स को कवरेज देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों के मिक्स वर्जन पूरे कंप्लीट सिलेबस में, राइट। इसलिए वहां सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, मतलब अपनी आपकी ब्रांच का सब्जेक्ट हो ना हो वो भी आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे पीएलसी है, स्क्वाडा है, ऑल्दो नॉट इन सिलेबस, कोर पार्ट नहीं है, बट आ रहा है एग्जाम, अपने आप कोर पार्ट बन जाएगा, राइट। बनाना पड़ेगा। तो एग्जामिनर अगर पूछ रहा है, एग्जामिनर इंडस्ट्रियल पूछ रहा है, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पूछ रहा है, नहीं पूछा इस बार एग्जाम में मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए समटाइम्स आपको पढ़ना, कुछ भी पढ़ सकता है। देखो R की वैल्यू मैक्स चाहिए, इसका मतलब IZ तुरंत आ जाए स्टूडेंट्स, IZ शुड बी मिनिमम। अब अगर IZ मिनिमम चाहिए तो पक्का RL का कौन सा मान चाहिए? मिनिमम। IZ अगर मिनिमम चाहिए तो V इनपुट का कौन सा मान चाहिए? That means V in का मिनिमम, RL का मिनिमम से कैलकुलेशन होनी चाहिए, और अगर RL मिनिमम है तो पक्का IL पर कौन सी करंट होगी? मैक्सिमम। फाइन, अब यहां पर इस बात को अब अंडरस्टैंड कर लीजिए, आर मैक्स के लिए यहां वाली करंट कौन सी चाहिए? आई मिनिमम। जीनर पर कौन सी करंट थी? आई जेड मिनिमम। लोड पर कौन सी करंट थी? आई एल मैक्स। दैट्स ऑल, दिस इज कंप्लीट न्यूमेरिकल। आप सीधे सीधे स्टूडेंट्स आई मिन, आई जेड मिन, आई एल मैक्स पर गणना कर रहे हैं, बाकी और कुछ नया नहीं है। सो यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर डायरेक्टली, यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर। मिनिमम का क्वेश्चन होता अगर, तो यहाँ आई मैक्स, आई मैक्स तो यहाँ आई जेड मैक्स, आई जेड मैक्स तो यहाँ आई जेड मैक्स, तो यहाँ आर एल मैक्स,
IL minimum. सारी कहानी इन तीन स्टेटमेंट्स की है, बस दैट्स ऑल. क्लियर? ठीक है, कराना तो नहीं है क्वेश्चन पूरा. अच्छा पहले तो करा ही चुका हूं, सॉरी. फाइन स्टूडेंट्स, यस, बस बस, बिल्कुल 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 मुकेश, करेक्ट, परफेक्ट, सेम हायरार्की. V max to I max to R minimum to IZ max to load maximum. बिल्कुल करेक्ट हायरार्की. अब ये हायरार्की माइंड में चलनी चाहिए, बस ये तीन बातों में KVL KCL है और कुछ नहीं. तीन बातों पर KVL KCL. राइट, चलो अब देखो फर्दर. अगर हम लोग अब नए क्वेश्चंस पर मूव करें तो कुछ क्वेश्चंस हमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्राफ पर भी चलना होगा. राइट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्राफ. ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन, बाकी नेक्स्ट होगा. ठीक है, नहीं तो डाइवर्ट हो जाओगे, नहीं कर पाओगे. आज के लिए लास्ट केस फोर ही है. लास्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो कल फाइनली एंड हो जाएंगे. कल हम लोग फिल्टर शायद होपफुली स्टार्ट करेंगे. राइट, ठीक है, कल ओवर हो जाएगा ये. बिल्कुल बिल्कुल निजाम आते हैं क्वेश्चन आजकल. हाँ ना ना ना, ई एच पी नहीं नहीं नहीं, ऐसे सब्जेक्ट्स के चांस नहीं होते, बट समटाइम्स ई सी एल का कुछ नहीं पता. राइट, हाईली अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी उठाकर आ सकता है. मैंने ये बात आप लोगों को स्टूडेंट्स, हाँ झारखंड वाला ठीक है, झारखंड SSC बिल्कुल यू कैन फिल, नो प्रॉब्लम, अच्छी वैकेंसीज हैं. यस अभिनंदन, लिखो 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 लिखो, बोलो नहीं. उसी पर लगे हुए हैं अदर सब्जेक्ट्स पर. यहाँ बिल्कुल सब अलाउड है, मेरी ब्रांच भी ट्रिपल ही है, घबराओ नहीं. ठीक है, बिल्कुल अलाउड है, ट्रिपल ही एवरीवेयर अलाउड है, एवरीवेयर अलाउड है. हाँ सभी लीव कर सकते हैं, फाइन. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, कल फिर डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, फाइन, ठीक है, ठीक है, ओके ओके. ठीक है, फाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू. वेरी सून सौरभ, वेरी सून स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट. हाँ सब केस टू के ऊपर ये लीजिए. ठीक है ललित, ठीक है, ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन.